चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर रात का है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। Smooth strokes. Okay, five more. Five more. Breathing. Rhythmic breathing. Stronger, stronger, stronger. There it goes. उड़ान भरने से पहले बेस कमांडर के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं मिस फाइटर पायलट। Check the box. I've shut it. Papa, please let me check it once. And close the gate. Close the gate. Papa, please, Papa, please, Papa, please, Papa, please. Hey, hey, Miss Fighter Pilot, you can't disobey orders like that. Seriously. Focus now. Come on, come on, come on. Faster, faster. Is that the fastest you can go? Come on. Hell, rhythmic breathing. Rhythmic breathing. Shit. Back, back, back. 5 more. Go, come on. Smooth strokes, smooth strokes. How many times do I have to tell you? Back. Go. Come on, stronger. Ah. Come on, one more. Back. Ria? Ria! Ria! रोज 45 मिनट तैरती है डॉक्टर साहब, नॉन स्टॉप, एवरी सिंगल डे। आज 1 घंटा, but I know her strength. Relax, relax. I think this is something else. I need to examine it. So, हम कहाँ थे? आप अपनी रानी को बचाइए। देखिए, ये लंग्स से शुरू होता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। It's a galloping lung cancer. Stage? It's a pretty advanced stage. Kitne din? I can't be sure. Maybe a month. Chemo? You can try your luck, but it's like killing a fly with a sword. What have you done, बेटा? ये क्या किया तुमने? रिया, मैंने रिपोर्ट भर ली है। So, उससे क्या हुआ? देखो बेटा, there are no targets in life. असली जंग यहाँ है. You can't lose it. You can't give up. कल कोई टारगेट नहीं है. कोई ट्रेनिंग नहीं। कुछ नहीं। Okay. Then let's kill the fly with the sword tomorrow. सुनोगे? 12th क्लास में मेरा एक क्लासमेट था जिसे मेरे बात करने का अंदाज पसंद नहीं था, तो फेयरवेल पार्टी वाले दिन मैंने उसे पूल पे बुलाया और तब तक पानी में डुबा के रखा जब तक उसकी फट नहीं गई। जानते हो मैं ऐसे ही आगे बढ़ा हूं जिंदगी में, लोगों को डुबा के। सब जानता हूं मैं, ब्लड ग्रुप स्कैम, रिवर्स बोरिंग, सब जानता हूं। वैसे ये जेम्स बॉन्ड बनके तुम साबित क्या करने जा रहे थे कि ये ब्लड रिपोर्ट्स में यूरेनियम है? रिवर्स बोरिंग की स्टेडिया का नाम है, ये कोई नहीं जानता। अमोनियम नाइट्रेट, क्रोमियम, ये केमिकल जहरीले हैं, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंजेक्शन लगा के सब बेहोशी में जिए जा रहे हैं। सैटरडे संडे को बीवी के साथ डिनर या गर्लफ्रेंड के साथ डिस्को में चिकनी चमेली, दैट इज लाइफ फॉर देम। सही कहूं तो इस जहर की उन लोगों को आदत सी पड़ गई है, एंड दैट इज गुड फॉर माय बिजनेस, एंड नाउ यू नो इट। तुम्हें लगता है तुम सच को दबा दोगे? कोई ना कोई सच को जरूर सामने लाएगा, सच छुपेगा नहीं। यू कांट स्टॉप मी, यू कांट स्टॉप मी। श्रीकाल जी, फंड मिल गए जी आपके, कभी लेट नहीं होते आप जी। कोशिश तो ये कि कभी आपको शिकायत का मौका ना मिले। ये रखिए और ये उन साहब को जाके दे देना, कहना मैंने भेजा है। थैंक यू। एक मैंने ड्यूटी जोक लिख के भेजा सर, उस साहब ने ये चिट्ठी ली है। तलब की राह में कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। वाह जी वाह, क्या शायरी है जी। कौन है जी ये गालिब का फुफड़? मोटिवेशनल स्पीकर है, अपने किताब के लिए फंडिंग ढूंढ रहा है। अब पीछे मत मुड़ के देखिए जी, पीछे पड़ जाएगा और फिर चिट्ठियां भेज के पकाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड नाउ लाइक टू कॉल अपॉन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट मिस ब्रेज to facilitate Mr. Paddy F Sharma, the managing director of PPFPL, for his decade-long commitment to sustainable business practices. Ladies and gentlemen, the Global 10 Award goes to Mr. Paddy F Sharma. टांगों को गोद में लिए लाउंड रखी। तो जी हमारे हाथों से लकी शकी है। Thank you everyone. Bloody criminal! Sustainable award, huh? Anirudh को अगवा करके ये award ले रहे हो? Anirudh के पास आपका सारा कोरा चिट्टा था, इसलिए उसको उठा लिया है ना? इस award के पीछे क्या गेम खेल रहे हो सबको पता है। I will expose you. I will expose all of you. Leave me. Leave me. Full session where angels fear to tread. कहा शेक्सपियर ने तब, आज हम देखें फोर्ब्स का पोस्टर बॉय हो या टर्नओवर का नंबर गेम। I don't understand. I understand only golf and jazz. So let the jazz begin and enjoy the evening. कैसे किया था? डून स्कूल 1982 की फेयरवेल पार्टी। डुक्की को पूल में ढकेला था शाम के 7 बजे। चल गया था उसे या डूब गया था? आपके कॉलर पे कीचड़ लग गया। गाड़ी चला। शाहरुख खान वाली फिल्मों का शहर नहीं है, राख में डूबा हुआ शहर है। कभी भी कोई भी मिसिंग हो जाता है और लोग अपनी जिहाद हमारे सर डाल देते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल मिसिंग कंप्लेंट कराइए, वैसे भी कानून से बढ़कर कोई नहीं है ना। आप पैरेलल सिस्टम है आपका पीपीएफपीएल का। आप अनिरुद्ध को इसमें से निकालिए। यू नो आई वोंट स्टॉप एट दिस। ओ मैडम ये स्टॉप बंद कीजिए। हमारे सामने ना लोगों की जुबानें लड़खड़ाने लगती हैं, पसीना छूट जाता है। अपना ये कॉन्फिडेंस ये एटीट्यूड ना किटी पार्टी में दिखाइएगा, यहाँ नहीं। समझ गए आप? कि नहीं चालू हो गया? बेसलाइन चालू करो, केमिकल्स को जमीन में डाल दो। इसको ले जाकर नहर में डाल दो और ये सब खेत में डाल दो। सिक्योरिटी, ये क्या मशीन उड़ रही है? ऊपर देखो। उम्र 26 साल, नाम अनिरुद्ध दत्त, घाव बॉडी पर 5 घाव हैं और सर पर भी। अबे घाव नहीं खरोंचा वो, उंगली गिन। 10 पैर में और 10 हाथ में। कान दोनों है सर। चल इस पर ठप्पा लगा और इस पर चद्दर उड़ा दे यार। ओए छेतियों चद्दर लगे, चलो चलो। चंगी तरह कवर करो बॉडी को। यार तुसी भी ना कमाल करते हो हैं। गर्लफ्रेंड ने आपके गाल पे किचड़ का फेंका, आपने तो बॉयफ्रेंड को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। जी मीटिंग में फोन करता हूँ। चंगा। मुंह बंद कर, बिना आवाज कितने खा। 10 दंद लेके पैदा हुई सी तू, सारे कहते सी ताड़ी कर चुड़ैल पैदा हो गई है। मैं कह नाना तो मेरा अपना खून है, पर तू तो पूरी पिसाचनी निकली, खा गई अपने प्यो नू, तो तेरी फेर भी भूख नहीं मिटी। तू अपने प्यो नू खा गई, तू अपने प्यो नू मारे, तू मैनू भी मारना चाहती। ये वाली बॉडी है। Happy birthday, Ria. Excuse me, can I have a light? you. तुम्हारा यहाँ पर होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। It's a well thought out plan. दून स्कूल की बात कैसे जानता? डूकी आपका बचपन का साथी आजकल बिहार में खेती करता है। आपकी बेटी इताली EDM उसका नेशनल एंथम है। वो द हेल आर यू? I'm a writer. I believe in one shot. You like a cigar? ये मेरी किताब है, देख लें। If you approve तो इसका लॉन्च आप फंड करें। क्यों? समुंदर के किनारे घर हो तो तूफान से होशियार रहना चाहिए। ये भी आप जरा देख लें। आप तो सबकी फंडिंग करते हैं। लाइफ फाउंटेन लैब के लिए 5,000 करोड़। मेरा इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा है। लाइफ फाउंटेन लैब के लिए 2 बेनामी अकाउंट खुलवाए थे आपने। जीतू का इस्तेमाल किया था। एक और गुजारिश, इस बुक की रिलीज आप ही के हाथों होनी चाहिए। मीडिया इज हंग्री फॉर अ स्कूप। लेडीज एंड जेंटलमैन, परबजीत वालिया अब हमें उनकी किताब वन शॉट के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं, इसीलिए सिर्फ होना काफी नहीं है, ऐसे बनो कि दोबारा होने की जरूरत ना पड़े। इट्स ऑल अबाउट वन शॉट। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही हो। कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। Has been found, but why was the factory evacuated? We are surrounded by so many questions, and the nation wants to know the answer. मैम प्रदेश आतंकवादियों मुलायम तो मैम तो अनुकी लगता भी है। देखो जी रोड़ा रप्पा पान दी कोई ज़रूरत नहीं है कि है, जो हुआ है बड़ा मारा हुआ है। हमें इसका बड़ा अफसोस है, कार्रवाई चल रही है कि है, लेकिन कौन आतंकी ग्रुप है अभी तक कोई हमें खबर आई नहीं है। लेकिन ये मेरा वादा है आप लोगों से कि ये दिवाली तक जो भी मुजरिम है वो आपके सामने होगा। सत श्री अकाल। बाकी काम जिसने भी किया है ना पूरी प्लानिंग के साथ किया है। साले के घर में उसके मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। रिलैक्स करो। मुझे 1 हफ्ते में मेरे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए। 6,000 करोड़ की कंपनी है मेरी, मुझे उससे ज्यादा चाहिए, समझिए आप। देखो जी हो जाना है, ब्लास्ट हुआ है तो उसे आतंकवादी मामला माना जाएगा। केस जाना सेंटर में। देख मुझे सेंटर और स्टेट की बकवास नहीं सुननी है, जो मेरे पैसे चाहिए। क्या करोगे, कब करोगे ये बताओ। और हाँ, ये सब कहानी है ना प्रेस के लिए छोड़ना। अच्छा गुस्सा थूक दो, फिर गाल कर दे। हाँ बैठो, बोलो। कोड़े की कहानी सुनिए। पेशेंस रख लो, सुन लो। कोड़े एक जैसे नहीं होते। एक रेस का कोड़ा होता है, एक शादी का कोड़ा होता है, और एक होता है गवर्नमेंट का कोड़ा, जिसे हम इस वक्त शादी के कोड़े की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिन्नी शनाई बजाएंगे उतना नाचेगा। NIA ऑफिसर अर्जुन मिश्रा। पहले ही तो बंद करनी है। ओपन शट केस है जी आपका। आपके पैसे आपके हाथ में, टेंशन होगी क्यों जी? जिस भी घोड़े को दौड़ाना है ना, दौड़ा लो, नहीं तो अगले इलेक्शन में पोस्टर पे किसी और की फोटो होगी और पैसे भी किसी और के अकाउंट में, समझी? बहुत हाइपर होते हो जी आप, ठंड रखो, कहाँ ना हो जाएगा। पाके मैंने तो डोनेशन दिते आ, जाओ कह के आप प्रिंसिपल नो एक कप चाह भेजो जी, जरा अपडेट कर दो इनको सारों को, ठीक है? भैया सर, मैम ने बुलाया। आओ जी, की सेवा करिए। चाह के कॉफी? नहीं थैंक यू। मणिपुर, कारगिल, अनंतनाग हैं। बड़ी मिट्टियाँ चाटी हैं आपने, अब एसी की ठंडी हवाएं खानी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत। ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, साड़ी तो जी डेमोक्रेसी यही है, आपको तो पता ही होना है। करेक्ट है जी। केस बंद करो और धूम धड़क्के से दिवाली मनाओ विद योर फैमिली। जी हफ्ते भर में बंद हो जाएगा केस जी। बढ़िया। बस वो क्या है कि कुछ एविडेंस की प्रॉब्लम है, बट मैं इन्फॉर्मेशन जुटा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन है ना जी, तो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दो, मैनू कहानियां सुनाने की लोड़ नहीं। आपको यहाँ केस बंद करने को बुलाया, चुपचाप बिना वॉइस मेल के ये केस स्पैम में डाल दो जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। इतना पैसा अंदर करके रखे हैं साले, एक कुर्सी रख देती बैठने के लिए। तो IPS का क्या स्कोर चल रहा है? 2 करोड़। अरे वाह, तेरी तो ऐश है। नहीं सर, हम ऐसा नहीं सोचते, हम शादी रेट कार्ड देखकर नहीं, लड़की देखकर करेंगे। और एक्चुअली में सर, वी नीड दैट चेंज इन दिस कंट्री एंड वी कैन ब्रिंग दैट चेंज। चेंज? 500 का चेंज है तेरे पास? यस सर। एक काम कर, 500 पकड़, एक सिगरेट पैकेट ले, तेरी चेंज का धुआं उड़ाते हैं। चेंज जब तक पूरा सिस्टम नहीं चेंज होगा कोई चेंज नहीं आने वाला। साले सब कमीना बैठे हैं। सर चलो, ये रहा चेंज। हाय, आई एम माया और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है दैट आई वुड लाइक टू। हाय, आई एम माया, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। आई एम सॉरी कि मैं आपके घर में इस तरह आ गई, बट ये आपके काम आएगा। माया, that's such a nice name, माया। सॉरी, मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, बट मुझे भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं भी यही हूँ। ओके, बट आई हैव दिस रिसर्च एंड आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। यानी वाह वाह, वहाँ रखिएगा, वहाँ पे। थैंक यू। ये जो व्हाइट कॉलर कंपनी वाली आईटी, एक काम कीजिए ना, ये बॉटल भी वहाँ पे रख दीजिए, राइट साइड कोने में। थैंक यू। ये जो व्हाइट कॉलर कंपनी के पीछे की दलदल है वो आपको खुद दिख जाएगी, एंड दैट इज पीपीएफपीएल। अरे माया, तुम यहाँ पे कब से हो? लॉन्ग इनफ टू नो कि ये शहर जितना ज़मीन के ऊपर है ना, उतना ही ज़मीन के नीचे है। ओह नहीं, एक्चुअली मुझे पता लगाना था कि यहाँ पे छोले कुलचे अच्छे कहाँ मिलते हैं। You know the one. Please go through that research. Yeah, I will. Thank you. सुनिए जी मैडम, छोले कुलचे ना डॉल्फिन चौक में अच्छे मिलते हैं जी, तो आपको बता देना। जी मैडम। बोलो मास्टर, क्या हाल है? बस चल रहा है, तुम सुनाओ? अपना भी कुछ ऐसे ही चल रहा है यार। अच्छा, इस बार दिवाली पर आ रहे हो ना, या मम्मी को पटाओ पटाखों के? नहीं नहीं, पक्का आ रहा हूँ मैं। तू है ना वो रॉकेट, अनार, चक्री और दीपिका बॉम्ब, कटरीना बॉम्ब, प्रियंका बॉम्ब, इन सब के बजट सैंक्शन करा ले, साथ मिलके फोड़ेंगे, ठीक है? कभी कभी मम्मी को भी याद कर लिया करो। वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। सर फूल प्रूफ ट्रिप सिस्टम है सेफ्टी का। जर्मन से टीम आई थी, रिएक्टर जो है पूरी तरह से सर्विलेंस में था। आप क्या करते हैं? जी मैं यहाँ का मुख्तार, ओनली सोर्स टू द हेड कमांड। अच्छा, कितनी पुरानी है प्लांट? 10 साल। अच्छा, और आप? 10 साल। कुछ खास एक्सीडेंट, आग लगना? नथिंग सर। फायर सेफ्टी? सर पूरे प्लांट में फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन है, फायर वाटर पंप्स के साथ। पर जब अलार्म बजा, पता नहीं ये सिस्टम फेल क्यों हो गया। किसकी ड्यूटी थी उस वक्त रिएक्टर के पास? भगत सिंह। ये बाकी एम्प्लॉय लिस्ट ये है सर। बुलाइए ना भगत सिंह। सर कुछ दिनों पहले उसने 5 दिनों की छुट्टी ली है, कैंसर ट्रीटमेंट ली है, उसकी वाइफ को कैंसर है। रिएक्टर के अंदर केमिकल्स मिल जाते, कॉन्फिडेंशियल है। सिर्फ बॉस जी ग्रैंडमास रेसिपी जैसा ना, कवर तक साथ में लेके जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। अमेरिका के सारे रेस्टोरेंट जैसी है, सीक्रेट रेसिपी, घटिया खाना लेकिन सीक्रेट। अच्छा है, नाइस मीटिंग। ओके थैंक यू। सीक्रेट रेसिपी। माया पे जरा नजर रखना। यस सर, सी इन माय सर्कल सस्पिशन। इन लोगों का यही लगा रहता है सर। मतलब मार्टिर दिवस कल था, ये आज तक देख लो इनका मजमा चल रहा है। कौन शहीद हो गया सर? 17 नवंबर 1928 वो लाला लाजपत राय को मार दिया था ना साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, इसका बदला लिया भगत सिंह ने। सर जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। कितना सही कहा था उन्होंने, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। सर मैं जाना तो सीधा है ना, स्पीड ऑफ क्लाइंब पे। इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे सर आप वापस आ गए, कुछ भूल गए क्या? मैं भूला नहीं, कुछ और याद आ गया। याद आता रहेगा, मैं भी आता रहूँगा। हाँ, ये भगत सिंह को कब से जानते हो? सर पिछले 3 सालों से। पहले पैकेजिंग यूनिट में था, 5 दिनों पहले प्रमोट हुआ। हाँ, किसने किया? मैंने किया। क्यों? उसकी क्वालिफिकेशंस देखी थी, गोल्ड मेडलिस्ट था पंजाबी यूनिवर्सिटी का। एक मिनट, भगत सिंह की फाइल भेजना। और केमिकल्स के बारे में सब कुछ जानता था, बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था। एक मिनट सर, ये सर सर्टिफिकेट। हाँ तो सर एक्सपर्ट बंदा था, तो मैंने सोचा चलो प्रमोट कर देते। बिल्कुल। साहब को बैग चेक करना। बैग क्यों? बैग क्यों? सर आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। अब सर देखिए, मैं बिल्कुल क्लीन कैरेक्टर वाला आदमी हूँ। आपका कैरेक्टर आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। अब ये भी उड़ के आए क्या है? म्याऊ म्याऊ। हाँ, उंगलियों से हैश लग रहा है, उंगलियां धोली होती। हाँ आप कहाँ थे उस दिन? सर मैं ये किताब सर वन शॉट सर इसके लॉन्च पे गया था पैडी सर के साथ, और मैंने वीडियो भी खींचा है सर, ये उनकी स्पीच भी है, ये देखिए सर। आपकी तार काट दिया मुख्तार साहब, सर्टिफिकेट नकली है। ये रख ले एविडेंस। सर ये मेरा फोन है सर, एविडेंस। कटर कितने गया? वो साथ एक। हाँ जी जनाब, सारा रूम चेक करो। एक पिछले पास से कोई कमरा देनी? हाँ जी, मैं भेजता। अजीत। सर ये क्या किया आपने? राहु की महादशा का उपाय है। ये रखो। सर एविडेंस? नहीं, इसकी खुशबू अच्छी, मुझे घर ले जाना है। टीका लगाओ। ये भी ले लो। सर ये भी चाहिए आपको? ये एविडेंस है। भगत सिंह की सिम डिटेल है, लोकल नंबर है, लेकिन मुझे इसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। मुझे पता लगाना है ये सिम कार्ड कब और कहाँ यूज किया गया है। ओके सर। अरे वो भगत सिंह की कुंडली मांगी थी मैंने तेरे से। हाँ सर। सर ट्रेस हो गया है, नेपाल पाटन का लोकेशन है। नेपाल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। दिस मैन नीड्स टू बी अरेस्टेड ऑन साइट। ओके सर। पापा तुसी कब आ रहे हो? सोम है ना, सोम उसको हरा दिया मैंने कबड्डी में। स्पाइडरमैन वाली पिक्चर भी देखी। सुन रहे हो ना पापा? और पापा मम्मी पतली हो गई है, खाती नहीं, डाइटिंग कर रही है, और पता है उनके बाल भी झड़ रहे हैं। सुन रहे हो ना पापा? मैम मेन एक्यूज भगत सिंह ने सुसाइड कर ली। यस मैम। तो उसे जिंदा करो, कब्रों से खोद के निकालो, जो भी करो, मेरे को उसका कन्फेशन स्टेटमेंट चाहिए। मैम आई फील अपनी फीलिंग्स के एंगल्स की ना बत्ती बना के ना अपने टूम में डालने, समझा? मेरे प्यो ने यहाँ लंगर नहीं खोला। ओ गुरनाम, ग्लास तेरा प्यो चक्केगा है? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए गवर्नमेंट तुम्हें सेकती है ना। मैं ना छितर लौने तेरे चितड़ाते जो कहनी है ना, एक बार से समझा करो, बार बार ना कहना पाए। हाँ जी, क्या कह रही थी मैं? मेरे को स्टेटमेंट चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आ गई अक्कल में बात? यस मैम। Why are you dragging PPFPL into this? Because they do groundwater contamination. The region that we are in today is now the cancer belt of our country. Reverse boring एक खतरनाक तरीका है chemical waste को dispose of करने का। PPFPL जैसी factories में waste treatment plant नहीं है, पर एक आसान तरीका है, illegally सही, reverse boring। हजारों गैलन जहर या chemical waste एक पाइप से जमीन के बहुत अंदर डाल दिया जाता है। आप सोचिए, इतना chemical जमीन के अंदर फैल जाता है कि यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की फसलों में भी जहर घुला होता है। And that is chemical contamination. आप खुद जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हैंडपंप्स को रेड कलर किया गया है। They are banned. अगर मेरी पोस्टिंग हो गई ना, मेरी तो लग गई। और जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, मैंने खुद देखा है कि हर घर में एक कैंसर पेशेंट है। आप कहाँ थे उस दिन? सर ये किताब सर वन शॉट सर इसके लॉन्च पे गया था पैडी सर के साथ। मैंने वीडियो भी खींचा है सर, उनकी स्पीच है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन के बुनियाद मिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही, वो कहीं भी आग। शर्त ये थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। क्या चक्कर है? तो एनएसजी का एम्ब्लम है। परमजीत की बैंक डिटेल्स निकाल। Bhagat has a clean record here. भगत सिंह को शायरी भेजता कौन है? मुट्ठी में बंद है मौत का खेल, देख रहा है तुझे आसमां से सुहेल। कुछ तो बात छुपी है शायरी में। मुट्ठी क्या है मेरी मुट्ठी में? जब 5 उंगलियां बंद होती हैं तो मुट्ठी बनती है। 5 उंगलियां 5 मेरी मुट्ठी में 5 है। खेल में क्या होता है? खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में 2 होते हैं, वॉलीबॉल 5, बास्केटबॉल में 6 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, सो में 11। देख रहा है तुझे आसमान से सुहेल। सुहेल का मतलब है द ब्राइटेस्ट स्टार। North Star, North Star, North Star is the brightest star. 11 November. November. बहुत चला गया। ठीक। के बारे में कुछ पता लगाया था मैंने तो ये 1971 बांग्लादेश वॉर, परम वीर चक्र और 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, एनएसजी, फैंटम, कारगिल। इट्स एन ऑनर टू मीट यू सर। थैंक यू। वैसे आपने भी कुछ कम झंडे नहीं गाड़े हैं। नक्सल ऑपरेशंस, अनंतनाग, मणिपुर, कुपवारा, गैलेंट्री अवार्ड के कैंडिडेट। 5 नवंबर को कहाँ थे आप? वैसे कुपवारा का ऑपरेशन असल था या फेक? 5 नवंबर को कहाँ थे आप? अपने बुक लॉन्च पे। उसके पहले? हर रोज मैं कब कहाँ था, अगर इसका हिसाब करने लगा तो खुद से ही झगड़ा कर बैठूंगा, इसलिए हिसाब करता ही नहीं मैं। रिटायरमेंट के बाद कहाँ थे वो तो याद होगा आपको। कुछ शायरों की सोबत में इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर राप का है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस शायरी में आप बहुत कुछ कह जाते हैं। वो ब्लास्ट भी कुछ इसी तरह था ना, कुछ शायरी में कोट था, क्या था? मेरे अंदर जो आग है वो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए, वो जलनी चाहिए, ऐसे चाहे जहां भी हो आग जलनी चाहिए। जहां भी हो आग जलनी चाहिए। दुष्यंत जी की गजल है। मैंने कहा ना कि गोलियों को झेलने और चलाने के बीच में मुझे शायरी का भी शौक है। भगत सिंह को कैसे जानते हो? इसकी नो वाटर। और ये ऑपरेशन के लिए पैसे तो काफी लगे होंगे, कहाँ से आए पैसे? इट्स सेफ बॉटल्ड। तुम्हारी बीवी है? जी है। गर्लफ्रेंड? नहीं। तभी बिना एविडेंस के इतने सवाल पूछ रहे हो। बच्चे? एक बेटा है। बात होती रहती है उससे? हाँ बस परसों ही बात हुई थी। वो पटना में है, मैं यहाँ हूँ, इसलिए फोन पे बात होती है। अगली बार जब बात हो तो पूछना उससे कि उसे सपने में लाशें तो नहीं दिखाई देती, कान में आवाजें तो नहीं सुनाई देती। ब्लड टेस्ट करवाया तुमने उसका? आपकी बेटी का नाम रिया है ना? हाँ? कहाँ है वो? तुमने अपने बेटे के नाखून देखे हैं? पीले तो नहीं पड़ रहे? रिया कहाँ है? उसके होठों का रंग देखा है? नीला होता जा रहा है क्या? भगत सिंह को क्यों चुना था? रात को चिल्ला चिल्ला के उठता है क्या हाँपते हुए? सपने में लाशें दिखाई देती हैं उसे, दलदल में धंसती हुई। किस दलदल की बात कर रहे हैं आप? और जो सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। इस दलदल की। ये शायद आप भूल गए थे पिछली बार। क्या करूं, मेरी नौकरी कुछ ऐसी है। अगली बार आऊंगा तो एक सिंगल मॉल्ट रखिएगा। आई लाइक सिंगल मॉल्ट्स एंड आई नो यू कैन अफोर्ड इट। सर हम सीन ऑफ क्राइम से आ रहे हैं, हमें यहाँ बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी दिख रहा है। सर रिवर्स बोरिंग, केमिकल्स, फैक्ट्री में ब्लास्ट, ये वीट बॉल ऑफ इंडिया है सर, जो कैंसर की चपेट में आ गया है। मतलब इस 30 दिन की पोस्टिंग में हमारा पूरा का पूरा थॉट बदल के रख दिया है। 30 दिन में तेरे थॉट बदल गए? बहुत थॉट आ रहे हैं तुझे। 3 महीना होने दे, बत्ती की तरह फ्यूज हो जाएंगे तेरे थॉट, समझा? सॉरी सर। ये बकवास के थॉट्स मुझे मत सुनाना, इडियट। आई एम सो सॉरी। गेट आउट। हेलो मास्टर, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ पापा, लेकिन तुम्हारा टॉनिक पीने का टाइम हो गया ना? हाँ पापा, अजय ने क्या मारा है ना सिंगम में गुंडों को? तुमने कभी मारा है ऐसे गुंडों को? इस तरह के पुलिस वाले सिर्फ फिल्मों में होते हैं, जो उड़ उड़ के लात मारते हैं। और तुम भी यार इस तरह की फिल्में मत देखा करो, जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम रियलिटी। अच्छा सुनो, तुमको सपने अपने आते हैं? हाँ आते हैं ना, कि तुम सिंगम बन गए हो और गुंडों को मार रहे हो। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। सिंगम। सर ये जगह जो है ना, पैडी सर का मंदिर है, जो उनके ईमान और सच्चाई की गवाही देता है। हाँ लगता है फिल्में बहुत देखते हैं आप। जी फर्स्ट डे फर्स्ट शो गजाला में पाया जाता हूँ। ब्लड रिपोर्ट्स? हाँ ऑल टकाटक, लाइफ फाउंटेन लैब, चंडीगढ़ की लैब से टेस्टेड है। अपने पैडी साहब तो हर 6 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जी। शहर बिच उनका प्यार देख कर ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आते हैं, डर लगता है। तो लास्ट पिक्चर कौन सी देखी जिसमें आपको बड़ा मजा आया? सिंगम। सिंगम पीछा नहीं छोड़ता है। Yes. मैं खुद आपके पास आई थी सारे फैक्ट्स लेके। खोया मैंने अनिरुद्ध को है और आपने मेरे पीछे लोग लगा दिए। Come on. You know, अच्छा हुआ जो ब्लास्ट हुआ। मेरा बस चलता ना तो मैं पैडी के बेडरूम में ब्लास्ट करवाती, उसके चितड़े उड़ते देखती मैं। डरना चाहिए तुमको। These are some strong statements you're making. लगता है आपने वो रिसर्च नहीं पढ़ी। पढ़ी होती ना तो डरते आप। सब क्लियर हो जाता किसका प्लान है, कौन इस प्लान का विक्टिम। आई मीन एवरीथिंग वुड हैव बीन क्लियर्ड। हाउ ब्रेव आर यू? वेट, अनिरुद्ध की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ये, रियल वन। अनिरुद्ध को कौन सी क्लासिफाइड रिपोर्ट मिली थी? अनिरुद्ध के हाथ रियल ब्लड सैंपल्स लग गए थे, जिसमें इट वाज प्रूवन दैट देयर वर ट्रेसेस ऑफ कैंसर टू बी फाउंड। ये जो मदर टेरेसा बनके जो PPFPL ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं ना, इट्स अ बिग स्कैम। वेलकम टू रेडियो FM। आपको पता है आज सेफ वाटर डे है, पर साडे शहर दा पानी पीना इज एन इनविटेशन टू डेथ। शायद चूहे मारन वाली दवाई तो तुसी बच जाओगे, पर इथों दा पानी पीन तो बिल्कुल भी नहीं। सो बी सेफ, बी अलर्ट एंड थिंक बिफोर यू ड्रिंक। ओए जी सर, चाय कौन से पानी से बनाया तूने? जी जी, वो नल के पानी से। दुकान बाहर लगा आदमी, यहाँ लगा। आज के बाद तुम लोग चाय ना मेरे सामने बनाओगे, समझे? और ये पानी है ले पकड़। आप गुस्से हो, जल्दी आओ। अगर यहाँ का पानी इस्तेमाल किया ना साले अंदर कर दूंगा तेरे को, समझा? सॉरी सर। गंद विचार किया साला। कैलस का 10 years सिंगल मोड आपकी फरमाइश थी। कैलस का तो मिल गई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। रिया, डेथ सर्टिफिकेट क्या लगा आपको? PPFPL उड़ाकर रिया की आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। बदला, is that what it is? यहाँ का पानी ही नहीं, खून भी PPFPL की जागीर है। ये सारा शहर सिर्फ कागज पे जिंदा है, कागज के बाहर सबकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। लाइफ फाउंटेन लैब, पैडी साहब उसके सबसे बड़े फंडर हैं। वहाँ के तो DNA सैंपल्स तक मेड टू ऑर्डर होते हैं। इसलिए आपने रिया के बालों की हेयर सैंपलिंग करवाई। DCM PMO चाहते हो ना? तुलसीराम हॉस्पिटल बीकानेर में भगत सिंह की बेवा से कन्फेशनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्यों खामखा शहीद होना चाहते हो? भगत सिंह ने सुसाइड कर लिया। I'm sorry। सॉरी किस लिए? जी मैं PPFPL के बारे में। भगत ने किया था, मेरे इलाज के लिए किया था, इसके लिए किया था। बयान देने तैयार हूं मैं। सानू एक चिट्ठी आई सी, लिखण वाले ने मेरे भगत के बारे में सारा कुछ पता था, उनकी कमजोरियां, मजबूरियां, सर पे कर्जे कितने थे, सारा कुछ। कैसे पता था उसे ये सब कुछ मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती थी कि साढ़े अकाउंट च पैसे आने वाले सी। बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा छोटा सा सौदा था, कर दिया मेरे भगत ने। साइन के बदले कुछ मांग सकती हूँ? आप वापस ट्रेन से जाइएगा। ट्रेन नंबर 54701। फाइल देना। गाड़ी ले। जी सर। अंकल, सिगरेट मत पियो, मुझे कैंसर है, आपको भी हो जाएगा। देखो कितनी बार बोला है, अकेले मत जा। रुक, धीरे। हड्डी वाला कैंसर है ना, इसलिए इसकी पकड़ कमजोर है। आप इधर वाले हो या उधर वाले? Okay. मरीज हो या इंश्योरेंस वाले? कैंसर ट्रेन है ना, इसलिए पूछा। बाल तो ठीक है, मतलब कीमो नहीं है। अब वापस ट्रेन में बठिंडा चाहिए। ट्रेन नंबर 54701। आज का रेट 150 रुपए। हाजी दो बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ब्लड 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 बोलिए जी। ब्लड 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। कीमो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। कीमो 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 पैकेज इंश्योरेंस। कीमो इंश्योरेंस कीमो इंश्योरेंस। बोलो काका बोलो बोलो बोलो। किलो हॉस्पिटल 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 सिलेंडर हॉस्पिटल सिलेंडर हॉस्पिटल सिलेंडर। बोलो बोलो बोलो। तुम्हें पता है क्या थोड़ी थर्ड स्टेज है, तो हमें मरना कंफर्म है। क्या तो अपने परिवार से कुछ करके जाओ। इतने परजाई जी ने गंगा जल पाया, उन्होंने अकाउंट में पैसा आया। मेरा की मेरा तो 25%। चलो साइन करा। आपकी कौन सी The region that we are in today is now the cancer belt of our country. हर घर में एक कैंसर पेशेंट। शहर जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। अनिरुद्ध के हाथ रियल ब्लड सैंपल्स लग गए थे। There were traces of cancer to be found. सारा शहर सिर्फ कागज पे जिंदा है, कागज के बाहर सबकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। प्लानिंग तो सबसे आसान थी क्योंकि कॉम्बैट अपनों से ही था। साल भर की प्लानिंग और 30 सेकंड का कॉम्बैट। घुन ही गेहूं को मिटा सकता है। कैंसर ट्रेन पे पहली बार देखा था उस जुगाड़ू पैंथर संडे सिंह को। पीपीएफपीएल में ब्लड रिपोर्ट्स की दलाली करता था। दुनिया का सबसे बड़ा दान रक्तदान, रक्तदान, रक्तदान। आप सबका अपना रक्तदान अभियान। नकली सर्टिफिकेट्स बनाने में माहिर रिकी। इनसाइडर भगत सिंह पीपीएफपीएल की नस नस से वाकिफ था। पैसा उन तक पहुंच जाता था और मेरे मैसेजेस भगत सिंह तक। कोडिंग में एक्सपर्टीज थी इसलिए शायरी में कोड्स पहुंचते थे। तीनों की अपनी मजबूरियां और ख्वाहिशें थीं। भगत सिंह की बीवी को कैंसर था। संडे मिडलमैन, उसका एक ही मकसद था हर हाल में पैसा बनाना। और रिकी का सपना था कनाडा जाना, उसे भी कैंसर था। इन तीनों को ब्लास्ट के बाद मैंने यहां से भेज दिया। इस सब में आज भी शहीद हुआ भगत सिंह। टेररिस्ट तो 1000-2000 को मारते हैं पर ये लोग पूरी नस्ल को साफ कर रहे हैं शहर उगल के। प्रॉब्लम केमिकल कंटेमिनेशन की है। दैट इज द पोटेंशियल कॉज ऑफ कैंसर। शहीद भगत सिंह ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यही किया मैंने। ऐसा धमाका कि उनके कान के पर्दे फट गए। उस दिन उसके साथ मैं भी जल गया। बस राख होने से पहले उन्हें राख करना चाहता था। You think being good is a scam? सिस्टम कहें, स्कैम कहें या जिंदगी कहें, जो भी है बस यही है। मेरा ट्रिगर तो बस ऑर्डर पे चलता है। मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं जो सिस्टम के ऊपर चला जाऊँ, और इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि सिस्टम से कुचला जाऊँ। फिजिक्स में पढ़ा था बैलेंस डिफाइंस इक्विलिब्रियम। सर वही कर रहा हूँ, बैलेंसिंग। तुम जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो। बुलावा कहाँ का है? असाइलम या कस्टडी? हाँ। नहीं, मैं भूल गई थी। आपके टारगेट में वो था ना, वो 200 मीटर 2.5 मिनट में, 300 मीटर 5 मिनट में, जॉगिंग, ठंडे पानी में रोज नहाना, एयरफोर्स, पायलट। मुझे पता था, इसीलिए मैंने बेटी से ज्यादा बेटा बनने की कोशिश की। As good as I could. Do you know this This being good, it's a scam. ये सब, it's a scam. It's all a scam. That is a scam. ये जो ये बहते पानी की आवाज आ रही है ना, मैं नहीं सुन पाऊंगी कभी। ये आवाज नहीं महसूस कर पाऊंगी। ये माउंटेन्स नहीं देख पाऊंगी कभी। I want to live. I want to live. How does it feel to breathe? How does it feel to have a man around you? I failed you, beta. I failed as a father. Good night, Ria. आगजनी के हादसे की एक खबर आई है मनसा रोड से। पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि यह आत्महत्या है या कोई हादसा, पर परमजीत वालिया को उनके घर में जला और मृत पाया गया है। सर, यहाँ से आगे कोई नहीं। सर, जगह ब्लॉक कर दो, बता दो सबको। हाँ साहब, सुनी तुमने ये आवाज? सुनो, क्या सुनो? ये आवाज दिन रात पीछा करते हैं मेरा। सोने नहीं देती, कानों में गूंजती रहती है, कानों से सांसों में, सांसों से रगों में, रगों से खून में। हेलो 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 come at the wrong time, but Jeetu tried to threaten me again. Wow. अमोनियम नाइट्रेट, सेलेनियम, क्रोमियम, यूरेनियम, आर्सेनिक, ये सब ग्राउंड वाटर में है। रिएक्टर में डीसीएम और मेथनॉल है, पर जिसे वो जहर बनाता है वो है इसकी क्वांटिटी। और ये क्वेश्चन मार्क हमें सिर्फ जीतू बता सकता है कि सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स उसके पास है। That was good. That was good. What is this? Is this even safe? Safe? That's the purest form of water. Vodka and water. इससे अच्छा कॉकटेल हो ही नहीं सकता। मुझे लगा कॉकटेल ऑफ केमिकल्स। जहर का जंगल है ये, जहाँ सारे अजगर कुंडी मार के बैठे हैं। किसका जहर है, कौन उगल रहा है, किसको डस रहा है, किसी को नहीं पता। And you know the official term for this chemical chutzpah is cocktail of chemicals. Cocktail of chemicals. Abdul, मैडम को ना वो अजीत बीवी रोड वाला थाना है ना, वहाँ छोड़ा। थाना? But why थाना? जीतू को क्या पसंद आएगा? चीज पॉपकॉर्न या बटर पॉपकॉर्न? I think butter popcorn. What? Butter popcorn types लगता है। पॉपकॉर्न खाओगे? पॉपकॉर्न के बिना फिल्म का मजा नहीं आता। आप यहाँ यार एक केस के लिए डेड बॉडी की जरूरत थी, तो जो आपकी बॉडी इस्तेमाल कर ले। क्यों? क्या क्या किया मैंने? अटेम्प्ट टू मर्डर। माया सिंह है ना, उसने आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कराया, और ये अनिरुद्ध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट असली वाली। सबको तो आपने दी एंड कर दिया, एक गलती कर दी, माया को छोड़ दिया, गड़बड़ हो गई। क्या चाहते हो? पैडी के किचन में जो पक रहा है ना, उसकी रेसिपी चाहिए, रिएक्टर फॉर्मूला। हाँ, चलता हूँ। बॉस जी, वो साला कुत्ता गजाला पहुंच गया। कौन? अर्जुन मिश्रा? उसके पास सारे सबूत है बॉस जी, वो सब कुछ जानता है, अनिरुद्ध की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। वो बोल रहा था कि मेरा नाम हर जगह है। बॉस जी, आप तो बोल रहे थे कि वो सीएम का बंदा है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। वो रिएक्टर के बारे में पूछ रहा था। तुमने बताया तो नहीं? नहीं, नहीं, पर वो मेरे घर आ जाएगा बॉस जी। आप जल्दी कुछ कीजिए बॉस जी, मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। अपने घर जाओ और आराम करो, मैं देखता हूँ। ओके ओके बॉस जी। कोकेन की 3 लाइन, लेकिन स्निफ नहीं किया। कोकेन का जो रेसिड्यू है लेफ्ट नॉस्ट्रल पे था, जबकि वो राइट हैंडेड है, राइट साइड पे होना चाहिए था। गौर से देखो तो गले पे निशान है, बहुत मार्क तो नहीं लगते वो। इट्स मर्डर। डेविड ऑफ यूज करते हो? नहीं सर, लाकोस। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर रात का है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। ये क्वेश्चन मार्क हमें सिर्फ जीतू बता सकता है, क्योंकि सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स उसके पास है। ग्रैंड मास रेसिपी जैसा ना, कवर तक साथ में लेके जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। आपको यहाँ केस बंद करने को बुलाया, चुपचाप बिना वॉइस मेल के ये केस स्पैम में डाल दो। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आओ जी, शिव जी की फोटो। जी जी। जय भोलेनाथ। आज आपके ऑनर में आलू चोखा बनाया है जी। आलू जो है ना हर सब्जी में डल जाता है, पर 5 स्टार होटल में जाओ तो कोई ऑर्डर ही नहीं करता। क्यों? तो कि जो आलू होता है ना जी, बड़ा बेचारा होता है। सबके साथ तो हीरो होता है, नहीं तो जीरो। पर अब जी तुम्हारे घर क्यों आया था? अच्छे खासे सोने सुनखे हो, बाल बच्चेदार हो, क्यों पंगे ले रहे हो? मैं तो उसको अरेस्ट करने ही वाला था। तुम जो नौकरी वाले होते हो ना, सॉफ्ट हो जाते हो पप्पी, इधर उधर जाकर सूंघी जाने हो। मखमल के जूते पीएमओ ऑफिस के बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हो, और तुम जो किचड़ में पैर डाल के बैठे हो। देखो जी अर्जुन मिश्रा जी, पैडी जो है ना वो हमारा फंड रेजर है, ठीक है? DCM हो चाहे रिवर्स बोरिंग हो, ये ऊन के गोले हैं, इनको जितना उधेड़ोगे उतना फंसते चले जाओगे। आलू पाई आलू तो नहीं बनना तुमने, साथ रहोगे तो हीरो रहोगे। इत्थे सब कुछ ना मेरी परमिशन नाल होंदा। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस है। परमजीत ने तो सुसाइड कर लिया। एक मेंटली अनस्टेबल की पर्ची डाल दो, और ये ब्रीफ ना मेरे टेबल पे 36 से 36 दे दो। नहीं तो क्या होगा अर्जुन मिश्रा जी, कि तुम्हारी हो जानी है ट्रांसफर नक्सल एरिया में। ऐसा सुंदर सा फ्रेम में आपकी स्माइलिंग सी फोटो आपकी वोटी के पास पहुंच जानी है, हार चढ़ाने को। आगे तुम समझदार हो। स्वीट डिश खाओगे? नहीं जी थैंक यू। खा लो, पीएमओ ऑफिस की मिठाई खाने की आदत डालो। हाँ, गिफ्ट लाया तो रख तो दो। मुंह तक की जाना खुला। क्या हाल है मास्टर? पटना की टिकट करा ली ना? कैटरीना, प्रियंका, दीपिका बॉम सब मंगा लिए मैंने, साथ मिलकर फोड़ेंगे। काम कर यार, सारे बॉम्ब तू ही फोड़ ले। मतलब इस बार भी नहीं आ रहे हो ना? सिंगम बनने का टाइम आ गया है। रियली? फोड़ देना सारों को एक साथ। Yes sir. Good job. Thank you sir. All set? Yeah, I think. Davidoff, cool water. Nice. Sharp. See. Sharp like a police dog. कभी-कभी कार्ड भी लेता हूँ. मैडम जी, ये टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है. खबा के पिछवाड़ा काट जाए पता नहीं चलता. देखिए ना जरा, वो शिव जी की तीसरी आंख सब दिखती है. क्या चाहते हो? 10 दिन पहले पूछा होता तो शायद अमाउंट बोल देता. फिलहाल आप ये पढ़ लें तो बेहतर होगा. थैंक यू. बड़े पारी मन से मैं इस्तीफा दे रही. ये आंसू मेरे प्यो के हैं जिन्होंने अपनी जान दी जनता के लिए. ये आंसू मेरी कुर्बानियों के हैं जी जो मैंने आपके लिए दी. जो पावर और पैसा होता है ना जी, चरने की तरह होता है जो ऊपर से नीचे बहता है, बीच में से नहीं. पैडी जी, और पहुंचना ये जनता तक ही है और उन्हीं की प्यास बुझाएगा, आपके लालच की नहीं. आपने स्टेट को क्या समझा? आपने घर की जगीर गंद फैला के रखा हुआ है. हर एक क्रांति शुरू हुई है जी इस जमीन पे. रिवर्स बोरिंग करके आप तो खोखला कर देंगे जमीन को. मेरी जिम्मेदारी है ये जनता और उनके हक पे कभी कैंसर की ट्रेन नहीं चलने देनी जी. मैंने आप सबको वादा किया था कि इन्वेस्टिगेशन होएगी जी. इन्वेस्टिगेशन हुई है और मैं बड़ी शॉक्ड हूं. फैक्ट्री का ब्लास्ट भगत सिंह ने कराया जी और उसके साथी रिक्की पुल्लर और संडे सिंह जो आपकी फैक्ट्री की वजह से मरे हैं. बदला लिया उन्होंने जी. छाती फट रही है सुन के कि मेरी आंखों के सामने ये सब हो गया. मैं अपने प्यो की धी नहीं हूं जी. अगर मैंने क्रांति ना लाई तो, अगर ये बलिदान जाया जाने दिया तो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही. पर मैं कितने जाना नहीं, यहां रह के सेवा करूंगी सबकी जी. बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है. मैडम आपके रेजिग्नेशन देने का कारण क्या है? मैडम क्या ये शहर रिवर्स बोरिंग के चक्कर में एक नई राजनीति की पहल है? सर रिवर्स बोरिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. सर आपको वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन तो देना ही होगा. हाँ बिल्कुल, आपके कारण ग्राउंड वाटर बैंड है. इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन हैज बीन रिगार्डेड एज क्रिमिनल ऑफेंस. रबिश, मैडम ने बोला और आप लोगों ने मान लिया. कोई एविडेंस है आपके पास? कोई प्रूफ है इसके खिलाफ? एविडेंस वो रहा आपके पीछे. पैडी सर, ये फैक्ट्री का वेस्ट जो हम जमीन के अंदर डाल रहे थे, रिवर्स बोरिंग से केमिकल ज्यादा थे तो वो म्युनिसिपल पाइपलाइन में चले गए सर. मंत्रियों से क्या हो रहा है? ये सर्कस है. जानते हो किससे बात करो तुम लोग? आई ओन द स्टेट. जो सीएम है ना मेरे पेरोल पे चलती है. और अपने आंदोलन ना बाहर जाके कीजिए, ठीक है? उनको गायब करने मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा, समझे? ले जाओ साले को. अरे ये साला तो क्या? तुम क्या देखता साला? देख क्या रहा? सिंगम नहीं देखी थी क्या? सर अब तो देखना पड़ेगा. पीपीएफपीएल विवादों के घेरे में. रिवर्स बोरिंग करके जहरीले केमिकल्स को जमीन में डालने से पूरे शहर में कैंसर फैल गया है, जिसके चलते उन्हें मुआवजे की राशि देनी पड़ेगी. 15,000 करोड़ के वो कर्जदार हैं। पीपीएफपीएल ने ना केवल लोगों की जान ली है पर उनके परिवार वालों को भी जिंदा होते हुए मार डाला है। उनके सारे ऑफिसेज को जब्त किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में पीपीएफपीएल एक केमिकल माफिया के रूप में सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम ना करवाने के लिए शुक्रिया। वेलकम। वैसे लाश किसकी थी? क्या फर्क पड़ता है सर? पीएमओ मिला? बड़ी अजीब बात है। मेरा इतनी बार प्रमोशन हुआ है लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा जो है लाइक इज प्राउड ऑफ मी। ये पहली बार डिमोशन हुआ है मेरा और वो मुझे हीरो समझता है। सो नक्सल। यस नक्सल। तो क्या नाम सोचा पासपोर्ट पे? जॉन एफ कैनेडी, जॉन लेनन, जॉन अब्राहम, नो जॉन्स, चे गुवेरा। सूट करता है आपको? हरकतें भी ऐसी आपकी। गुड। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। You should have stopped this poison from going out and affecting people. Article 21, the right to life, includes the right to have healthy food. The right to life means the right to food. The right to food means not toxic food. It means healthy food. Healthy food means no poison in the food. Therefore, who's putting in the poison? The corporations, the government, everybody's putting in the poison. Therefore, stop it. As simple as that.